सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी, होप करता हूँ सभी वीडियो होंगे। तो ये दशहरा तो कल निकल चुका था, लेकिन इंदौर में कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जिन पर दशहरा रावण दहन नहीं हुआ था। तो उसी के लिए अभी हम चल रहे हैं आज की हमारी पहली लोकेशन, जो कि है छावनी। और आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति है, राकेश भैया। राम भैया, क्या हाल चाल है सबके? तो आप में से सभी लोगों ने इनकी वीडियो कहीं ना कहीं देखी होगी। तो मैंने कहा, राकेश भैया आज हमारे को थोड़ा समय दो और हमारी जनता के साथ चलो। तो आज थोड़े समय के चक्कर में क्या हुआ, हम घर से निकले हुए 6 बजे के और यहाँ पिपलाने वाले रोड पे 1 घंटे से खड़े हुए क्योंकि बारिश हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी दहन नहीं होगा, आज भी वो रावण नहीं जलेगा जैसा लग रहा है। देखो, बारिश अगर आपको समझ में आ रही हो तो ये देखो, अभी भी बारिश हो रही है। रावण के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वहाँ का जो रावण है लगभग 111 फीट का है और कारीगरों ने लगभग 1 महीने में वो रावण बनाया था। तो शायद इस कारण से भी उन्होंने कल नहीं दहन किया, भैया आराम से करेंगे बारिश। हाँ, बारिश के कारण वो जो पूरा ग्राउंड था काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया था, खड़े रहने तक की जगह नहीं थी, इसलिए शायद डिले किया। तो फटाफट अभी अपन वहाँ चलते हैं और वहाँ की सारी अपडेट आपको देते हैं। तो भाई साहब, काफ़ी अलग ही लेवल का इन्होंने रावण बनाया हुआ है। उसके साथ रावण के 2 भाई भी हैं और ये लंका बनाई हुई है। काबिले तारीफ़ है भाई, 1 महीने की मेहनत दिख रही है। जो बाहर से कलाकार आए थे जिन्होंने 1 महीने इस रावण को बनाने में लगाए, भाई हेड्स ऑफ। तो राकेश भैया, कैसा लगा आपको ये रावण? भाई पहले तो ये 2 घंटे इंतजार करने के बाद जब आए ना तो मजा आ रहा है, यहाँ भीड़ भी नहीं है। हाँ, एक बेनिफिट है कि अपन सबसे आगे खड़े हो, आगे खड़े क्योंकि इस कारण से इन्होंने डिले किया था। पर एक बार गिरते गिरते बचाओ, अभी बहुत पेड़ से। हाँ भैया, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, रावण के साथ ये 2 लोग कौन है? ये शायद उसके दोनों भाई होंगे। क्या नाम था यार, कमेंट करके बताओ ये दोनों भाइयों का नाम क्या है। ठीक है, हम दोनों का नाम मत लिख देना। क्या है नाम है भाई? कुंभकर्ण। और एक और का नाम? रावण। चल, कुंभकर्ण तो रावण से भी बड़ा होना था। चलो भैया, तो अभी वेट करते हैं रावण दहन का यहाँ पे। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कमाल करते हो। एक बात जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आ जाऊं क्या अपनी पर? आऊं क्या? वो छोटा सा जानवर कौन सा होता है जिसे हम हड्डी डालते हैं? कुत्ता। और वो बड़ा सा हाथी। कुत्ते की पूछ अगर हाथी के पैर के नीचे आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? चतुराई इसी में है कि चुपके से निकाल ले, वरना हम उसमें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से ले और कहां से ना ले। जय जय श्री राम। आपके कर्ण अर्जुन आ गए इंदौर में।
तो भैया अभी दहन खत्म हो चुका था और हम दहन में से निकल चुके थे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब लगा मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देने जाना है और यहाँ पे अलग ही सीन, चार पांच घंटे इन्होंने, क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया, जो आर्टिस्ट बुलाए थे काफ़ी बढ़िया थे और काफ़ी बढ़िया इंटरटेन किया, लेकिन जो टाइमिंग था बहुत बहुत ख़राब, बहुत ख़राब रहा मुझे। 12:30 बज गए 12:30 बज गए 7 बजे के निकले और वो सब तो ठीक है। ये बताओ पहले, ये किसके लिए लेके जा रहे हो तुम? मेरे भांजे के लिए। भांजे के लिए, फिर ठीक है। तो भैया इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और राकेश भैया के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, राकेश इंदौरी। और राकेश भैया के क्या कहने यार, राकेश भैया को मैं देखो इंट्रोड्यूस एक दो वर्ड में नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत अलग लेवल का काम करते हैं। इतनी तारीफ करते हो, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना तो वहाँ आपको इंदौर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है भैया, और मेरा भी तो बोल दो कि सब्सक्राइब कर देना शायद तुम्हारी बातों से कर दे। तुम्हारी ऑडियंस है क्यों भैया? तुम्हारी ऑडियंस नहीं होगी। 7 बजे के आए हैं, 12 बजे घर जा रहे हैं सिर्फ इस वीडियो के लिए, तो एक लाइक जरूर करना, जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख देना और आदर्श भाई को यूं ही सपोर्ट करते रहो, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से ही हम क्रिएटर्स को ताकत मिलती है। ठीक है भैया, अब तो राकेश भैया ने भी बोल दिया, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पहली बार देख रहे हो, जो राकेश भैया ने बोला वो कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।